मतलब गजब फॉल है यार ये। जबलपुर के आसपास काफी सारे वाटरफॉल्स हैं, तो ऐसे ही मैं एक जगह ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था कि जो अभी तक मैंने भी ना देखी हो, आप लोगों ने भी ना देखी। तो ऐसे ही मेरे को एक प्लेस मिली गूगल मैप्स में, जिसकी फोटोज देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा, वो काफी ब्यूटीफुल प्लेस लगी। उसी का टाइटल है, आपने पढ़ लिया टाइटल को। जबलपुर के आसपास काफी सारे वाटरफॉल्स मैं कवर कर चुका हूँ, देख चुका हूँ मैं, बट ये जो वाटरफॉल है ये मैंने मतलब ऐसा देखा नहीं है पहले कभी, मैं वहां पे गया नहीं हूँ। तो आज ऐसे अर्जेंट प्लान बन गया भाई जाने का, क्योंकि मौसम काफी अच्छा है। तो अभी हम उसी प्लेस पे जा रहे हैं, और इस प्लेस की इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा मेरे को रिक्वेस्ट भी हो रही थी, लोग काफी ज्यादा मैसेज भी भेज रहे थे। तो इंस्टाग्राम से याद आया, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और ये है मेरा फेसबुक हैंडल। आप भी मुझे ऐसे ही प्लेसेस सजेस्ट कर सकते हो। हो सकता है कि मुझे वो प्लेस ना पता हो, आपको पता हो और वो प्लेस काफी अच्छी हो, मुझे जरूर सजेस्ट करिए, इंस्टाग्राम पे आइए, फेसबुक पे आइए। चलो भाई देखते हैं कैसी है वो प्लेस, क्या है उस प्लेस की खासियत, और वहां पे कुछ इंसिडेंट भी हुआ था जो मैं वहीं पे जाके आपको बताऊंगा। आज से 7-8 साल पहले वो क्या हुआ था वो मैं वहीं पे बताऊंगा आपको। मैं भी वो प्लेस देखूंगा, पहली बार जाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। देखते रहिए इस वीडियो को, बने रहिए बी प्रोडक्टिव ब्लॉग्स के साथ। गाइस शुभम आ चुका है और हम निकल चुके हैं, काफी आगे आ चुके हैं। MR4 रोड से हम होते हुए, दीनदयाल चौक से होते हुए हम सीधे पाटन जा रहे हैं। पाटन के पास है बगदरी वाटरफॉल हाईवे। आज मैं मोटो व्लॉग नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हो रही है जबलपुर में, और मोटो व्लॉग के कारण ऐसा है कि मतलब बाइक से अगर जाते तो भीगने के काफी चांसेस है, और GoPro है नहीं जैसे कि आप लोगों को पता है, तो रिस्क क्यों लेना। कार थी तो हम कार से जा रहे हैं, और आगे जाके मैं आपको रास्ता बताऊंगा कैसे आपको जाना है, कैसे आप वहां पे पहुंच सकते हैं। बरगी डैम के फिर से गेट्स ओपन हो गए हैं, और बरगी डैम वाली वीडियो आपको आईकार्ड में मिल जाएगी, आप जरूर देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा नजारा चल रहा है अभी वहां पे। बगदरी फॉल जाने के लिए आपको पाटन गांव से होते हुए जाना होता है, पाटन के आगे है बगदरी फॉल्स, और बगदरी फॉल जबलपुर से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया आज मोटर व्लॉग नहीं कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कार का रीजन मैंने आपको बताया, तो कार से भी हम ऐसे आपको रास्ते दिखा सकते हैं। काफी अच्छा सुहाना सफर रहता है, कार से आप गाने सुन सकते हैं और काफी सेफ्टी हो जाती है, आप सामान वगैरह अच्छे से रख सकते हैं कार में, और अगर बारिश हो रही है तो आप नहीं भीगेंगे, दुनिया भीग जाएगी पूरी। ये काफी अच्छा फीचर है कार होने का। तो अगर आप इस वीडियो को देख के बगदरी फॉल जा रहे हैं, कोशिश करिएगा कार से जाएं, और आगे जाके जो भी ऑफ रोड वाले सीन्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, कार आप ले जा सकते हैं कि नहीं। हम भी पहली बार जा रहे हैं तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कुछ ज़्यादा ऑफ रोड वाला सीन ना मिले, ऐसी रोड हो। और ये हाईवे है तो ये सीधे सागर के लिए जाता है, इसी रोड पे है। हमने जो कैंपिंग वाली वीडियो बनाई थी, हम अलाहाबाद वाले हाईवे से गए थे, तो उसी रोड पे ये भी है, आपको लेफ्ट लेना है पाटन के लिए, और बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। काफ़ी ज़्यादा सीन्स हैं आगे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पाटन क्रॉस हो गए हम, और मेरे बाल भी ऐसे क्रॉस हो गए हैं हवा के कारण। टोल टैक्स लगता है भाई, ये हमें पता नहीं था, अभी पता चला है। 25 रुपये लगे हैं कार के, और बाइक वगैरह का भी 25 रुपये लगते हैं। इससे बड़ा वाहन अगर ट्रक वगैरह से आप जा रहे हैं तो वो तो 100-200 रुपये लगेंगे तो ये टोल टैक्स लगना था, ये 25 रुपये, और हमने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। तो ये है हमारा आज का एक्सपेंस, देखते हैं आने जाना और कितने में हो रहा है, और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, तो ये भी हमने आपको बता दिया है। पेट्रोल एक्स्ट्रा भरवा के लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे रोड पे पेट्रोल पंप है नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। बस यहाँ से भाई सीन्स स्टार्ट हैं, क्योंकि ये पहाड़ चढ़ना होता है, घाट है ये, ऐसा लिखा हुआ था नीचे। और एक ही बार बस मैं अपने फादर के साथ यहाँ पे आया हूँ, बहुत बढ़िया सीन्स हैं, देखो मैंने शीशे लगा रखे हैं, तो ये तो अभी चढ़ना स्टार्ट किया है। ऊपर जब जाते जाएंगे तो व्यू और अच्छा आते जाता है, यहाँ पे मज़ा आ जाती है। और ये पूरा टर्न है, ऐसा सीधी रोड नहीं है, तो यहाँ पे भी आप एकदम आराम से अपनी बाइक या कार जो भी लेके आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से चलाएं, क्योंकि ट्रैफिक रहता है, और ट्रैफिक ना भी रहे तो गाय वगैरह रहती हैं जिनसे भिड़ने के काफ़ी चांसेस हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं, ये पहाड़ चढ़ के आप जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो बोर्ड लगा मिल जाएगा बगदरी वाटरफॉल, लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है, वो जो गाड़ी जा रही है वो हमको लेके जा रहे हैं बगदरी वाटरफॉल्स। और रास्ता कुछ ऐसा है, थोड़ा सा ऑफ रोड है, तो आप अपने हिसाब से देख के आइए। कार से आ रहे हैं तो स्टेपनी वगैरह अच्छे से रखिए इंतज़ाम करके, बाकी तो ठीक ही है, बाकी सब बढ़िया है। रास्ता और ख़राब ना हो इतना फिर भी चल जाएगा, इससे अच्छा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे ख़राब नहीं होना चाहिए। एंड मौसम में धूप नहीं आनी चाहिए वो अच्छा है, सब कुछ मेरा अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, बोल तो मैं रहा हूँ। काफ़ी दूर नहीं है जबलपुर से बगदरी वाटरफॉल्स, एक बढ़िया लोकेशन है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप की फ़ोटोज़, वहाँ पे जो देखी थी। काफ़ी टाइम नहीं लगा हमें, आधा घंटा लगा होगा मैक्स, क्योंकि हम काफ़ी आराम से आए हैं, रुक रुक के आए हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, और डेस्टिनेशन काफ़ी अच्छा है। अभी बरगी डैम वगैरह में काफ़ी भीड़ चल रही है, तो ये कुछ सुकून वाले स्पॉट्स हैं जो आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी मेरे को कमेंट्स बहुत आते हैं कि यार मैं बोलता बहुत हूँ, तो वो मेरी आदत है बात करने की, और अगर मैं बताऊँगा नहीं कि क्या कैसी चीज़ें हैं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा, और पता चला हमें
पानी भरा है। तो भाई साहब ऐसा है कि रिकॉर्ड करते करते ना क्या हुआ था कि एक गड्ढा आया और मेरी जीभ दांत के बीच में दब गई, तो बोलते बन नहीं रहा था। अभी मैं ठीक हुआ हूँ और पानी भरा हुआ है बरसात का, तो आप कह नहीं सकते कि कौन सा गड्ढा है और कौन सी रोड है, तो बहुत आराम से चलाना। मेन रोड हाईवे से हार्डली 300 से 400 मीटर होगा और ये हम पहुंच गए यहाँ पे। ये पार्किंग है, मतलब ऐसा कुछ टिकट वगैरह नहीं है, बट यहीं पे कार खड़ी है, यहीं से बगदरी फॉल्स है। रोड इतनी ज़्यादा बेकार नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। ये देखो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं भाई, कार खड़ी कर दी है पार्किंग वाले एरिया में जो हमने आपको बताई। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो उसकी आवाज़ आपको आएगी, इतना अच्छा माइक है नहीं हमारा प्रोफेशनल जो इतनी हवा को रोक दे, क्योंकि पूरा खुला एरिया है। और अब देखते हैं कि नज़ारा कैसा है। आवाज़ तो बहुत तेज़ आ रही है पानी की, काफ़ी ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, कैंपिंग लवर जो है। कैंपिंग से आया कालपे का हमारे साथ नहीं है, मतलब वो मरा नहीं है, जिंदा है लेकिन वो उसका ऑफिस का काम चल रहा है तो इस वजह से उसको छुट्टी मिल नहीं पा रही है और वो आ नहीं पा रहा है ब्लॉग्स में। शुभम आज फ्री था तो शुभम को पकड़ा हमने और हम आ गए। और ये घाटी आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरे पीछे ये खाई है पूरी, ये खाई है। ओके, सीन काफ़ी अच्छा। ओ, और फॉल दिख रहा है जो कि बहुत सुंदर फॉल है, वाकई में मतलब क्या गजब फॉल है यार ये। आप लोग को दिख गया होगा, मतलब कहाँ दिख गया हो, दिखा ही नहीं मैंने अभी तक भाई फॉल्स बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। अभी मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को वो दिख रहा है लेकिन वो इतना सा नहीं, बहुत बड़ा है। खाटी है पूरी और इसको क्या बोलते, खाई बोलते ना इसको, हाँ खाई टाइप का एरिया है और बहुत सुंदर है यार देखने में, वाकई में बहुत बढ़िया लगा आके यहाँ पे देखने में। अभी आपको सीन्स देखने को मिलेंगे। मौसम ख़राब हो रहा है, मतलब पानी आ रहा है हल्का हल्का, ऐसे एरियाज़ में होता ही है ये। आप सेफ रहना, बहुत डेंजरस जगह है क्योंकि देखो ये चट्टान है पूरी, ये देखो नीचे दिखाता हूँ मैं, ये पूरी ऐसी खाई है तो इससे आप बच के रहें बिल्कुल, क्योंकि कभी भी पैर स्लिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे इंसिडेंट की बात जो मैं कर रहा था वो ये था कि आज से 7 साल पहले एक मुस्लिम फैमिली आई थी यहाँ पे और वो नीचे उतर गए थे, नीचे उतर के वो पिकनिक वगैरह कर रहे थे वहाँ पे। आधी फैमिली इस तरफ थी, आधी फैमिली उस तरफ थी और एकदम से पानी बढ़ा, बाढ़ आ गई और जिससे वो पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी, वो फैमिली बच नहीं पाई और जितने भी मेम्बर्स थे वो ख़त्म हो गए। तो उसके बाद से ये प्लेस एग्जिस्टेंस, मतलब सामने आई थी न्यूज़ में, काफ़ी ज़्यादा आया था ये सब। काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से फॉल्स थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखेगा, मतलब काफ़ी अच्छा दिखेगा, तो उस तरफ जा रहे हैं। फिसलन है, मिट्टी वगैरह है, तो उस हिसाब से आप अपने शूज़ वगैरह भी पहन के आइए। और सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, हर एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आपसे गलती हो रही है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि ये देखो ये है खाई। ओहो हो, ये पीस देख रहे हो क्या, सही चट्टान, अबे चट्टान पे चट्टान रखी है बे, गजब यार। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो मतलब कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है और ये चट्टान पे चट्टान रखी, क्या गजब, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और यहाँ से ये देखो ये पूरी खाई है जो कि मैंने आपको बताया, पूरा पानी बह रहा है यहाँ से और सामने भी छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं जो कि ये बन रहे हैं। भाई शूट करते करते एकदम से आया पानी काफ़ी तेज़, क्योंकि पहाड़ वाला एरिया है तो यहाँ ऐसा ही होता रहता है। और हम वापस आके अपनी कार में बैठ गए हैं क्योंकि भीगने से ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट्स, देखो कैमरा वगैरह भीग गया, कैमरे का बैग भीग गया है एकदम से तेज़ पानी आ गया। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप रेनकोट वगैरह लेके आए, हम रेनकोट लेके आए थे बट कार में रख दिए थे कि लग नहीं रहा था, ऐसे धूप निकली हुई थी कि पानी गिरेगा, एकदम से मौसम बदल जाता है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर का स्टे करेंगे जब तक पानी रुक नहीं रहा, उसके बाद फिर वापस से ब्लॉग शूट करेंगे और कंप्लीट वीडियो बना के फिर वापस जाएंगे। वापस से हम बाहर आ गए हैं, अभी पानी रुक गया है थोड़ा सा और ये रेनकोट वगैरह डाल लिया है। अभी यहाँ पता आके पता चला कि रेनकोट फटा है मेरा, ये मैंने घर से देखा नहीं था। तो ये जब आप निकले ऐसा कुछ सब कुछ चेक करके देखें, और ये जो छत्ता है यह भी आपको उल्टा दिखेगा जब हवा चलेगी, तो काफ़ी बढ़िया स्पेशल इफेक्ट दे रहा है वो। और पानी अब बढ़ गया है, गोरिल्ला पॉड से मैं शूट कर रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी सी हिल सकती है, अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। काफ़ी भीड़ है, अभी भी लोग कार से आ रहे हैं, फैमिली वगैरह आई हुई हैं। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो खाने का कोई सामान अपने साथ लेके आएँ क्योंकि यहाँ खाने के लिए आसपास कोई भी जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रही है। We'll be right back.
भाई साहब देख लिया आपने बगदरी फॉल्स जो कि बहुत सुंदर है। जितने भी फॉल्स हैं आसपास जबलपुर के उनसे मुझे ये वाला फॉल्स काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन जितना सुंदर है उतना ही रिस्की भी है। कृपया करके आप नीचे ना जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हम भी नीचे नहीं गए थे और जितने भी लोग अभी आ रहे हैं वो सारे ऊपर ऊपर से ही देख रहे हैं, कोई नीचे नहीं जा रहा है वो इंसिडेंट के कारण। तो ये काफी अच्छा रहेगा और सारी चीजें मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीजें आपको लेके आनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, जो चीजें हम मिस कर गए और कैसे आप एकदम से मौसम बदलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो इसको बिल्कुल वैसे ही शेयर करो और ज्यादा शेयर करो जैसे आपने बर्गी डैम वाली वीडियो शेयर करी और उसमें काफी अच्छे व्यूज हैं, काफी अच्छा लगा। आज मोटो व्लॉग नहीं कर पाया बट कोशिश की कि आपको रास्ता वगैरह सब कुछ बता सके, सब कुछ अच्छे से बता सके। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फेसबुक पेज पे आ जाओ, आपको यूजर नेम पहले भी मैं दे चुका हूँ, फिर से दे देता हूँ। और सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो, हमारी वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और कोरोना से बच के रहिए। एंजॉय करिए, बाय बाय।